जय माँ काली। स्वागत है आपका दैनिक राशिफल में। हम बात करने वाले हैं मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि वालों के 3 दिनों की चर्चा। 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर के दिन आपके लिए कैसे बीतेंगे, क्या परिणाम मिलेगा, नक्षत्रों के हिसाब से हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के चंद्रमा की स्थिति देखें तो चंद्रमा आपके 12वें घर के अंदर चल रहे हैं और वो नक्षत्र ले रहे हैं रेवती। रेवती नक्षत्र आपके लिए धनदायक नक्षत्र होता है, परंतु 12वें घर में चंद्रमा है इस और वो भी राहु के साथ है। इस कारण से थोड़ी सी मानसिक परेशानी आपको 17 अक्टूबर को रहेगी, करीब करीब 4:20 तक। तो 4:20 तक आपका खर्चा अधिक रह सकता है, आपको अपने मन पे कंट्रोल बना के चलना है। आपके अंदर लालच की भावना जागृत होगी, आपके डिसीजन थोड़े से गलत हो सकते हैं, संवेदनशील समय है, इस कारण से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। 4:20 के बाद शाम को आपको विदेश से लाभ होएगा, वर्क प्लेस में बदलाव की स्थितियां निर्मित होएगी। कोई भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं तो किसी की राय लेके करें, नया कार्य स्टार्ट करने का मौका मिलेगा, नई जिम्मेदारियां वर्क प्लेस पे मिलेगी। लव लाइफ के अंदर रुकावटें बनी रहेगी करीब करीब 4:30 तक, क्योंकि पुरानी बातों को आप छोड़ेंगे नहीं, पुरानी बातों के कारण लड़ाई झगड़े भी संभव है। वैवाहिक जीवन में ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए भटकाव का समय है। इतना सब कुछ होने के बाद भी विदेश से आपको लाभ होएगा, हालांकि आपके पास नींद की कमी रहेगी, नींद आपको प्रॉपर नहीं आएगी और आपकी सीधी आँख में भी थोड़ी सी, उल्टी आँख में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे ही 4:30 बजेगी शाम को, उसके बाद ये चंद्रमा आ जाएंगे आपके लग्न के अंदर, यानी कि आपके लग्न में फर्स्ट हाउस के अंदर आ जाएंगे। तो समय में आपके सुधार होएगा, धन भी आपके पास आएगा। और आपको एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, अपनी इमेज का ध्यान रखें, अपनी छवि को इस टाइप से न प्रस्तुत करें कि आपके व्यवहार से, आपकी बोलचाल से लोग आपके बारे में गलत सोचने लग जाएं या आपके परिवार के अंदर आपकी छवि खराब हो जाए। हालांकि घर में खुशियां रहेगी, पैसा भी आएगा और कोई नया वाहन, प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित कार्य भी बनेंगे। प्रॉपर्टी की कोई बड़ी डील जो आपकी चल रही है वो आगे बढ़ेगी। आपको अपने आप को खुल करके व्यक्त नहीं करना है। दोनों ही दिन, कौन से दोनों दिन, 18 और 19 तारीख को, दोनों दिन चंद्रमा यहीं पे रहेंगे लग्न में। अपने आप को खुल के व्यक्त न करें, अपने आप को अंदर ही छुपा के रखें, अपनी प्रतिभा को निखारें और अपने मनोभावों को छुपा के रखें, किसी से ज़्यादा अपनी बात शेयर न करें। शनि की दृष्टि है इसलिए विष योग है, राहु से तो पीछा छूट गया परंतु शनि के कारण आपके मन में उदासीनता भी रहेगी और इसके कारण आपके अंदर क्रोध और झुंझलाहट की स्थिति रह सकती है। आपको अपने कार्यों के ऊपर ध्यान देना है। बिजनेस के लिए कोई नया काम आपको मिल सकता है, नया आप कार्य स्टार्ट कर सकते हैं जो कि प्रॉफिट में जाएगा। लव लाइफ में आपको अपनी स्थितियां संभालनी होगी, पुरानी बातों को छोड़ें, आगे बढ़ें। वैवाहिक जीवन में जो भी प्रॉब्लम चल रही है बातचीत से हल करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट्स को मन लगा के कार्य करना है, शनि की दृष्टि है इस कारण से मन में बेचैनी रह सकती है। हड्डियों से संबंधित और स्किन से संबंधित प्रॉब्लम आपको रह सकती है, छोटी मोटी चोट चपेट का डर आपके बना हुआ रहेगा 17 अक्टूबर की शाम 4:20 तक। तो ये था मेष राशि वालों का राशिफल। अब आपको क्या उपाय करने हैं। 17 अक्टूबर को रेवती नक्षत्र है जो कि बुध का है, इसलिए भगवान गणेश की आराधना करें 17 अक्टूबर को। साथ ही साथ विष्णु सहस्त्र नाम का जाप 3 दिन करें, आपको इससे बहुत अधिक राहत मिलेगी और धन की स्थितियां आपके काफ़ी पक्ष में आ जाएगी और आपकी जो छवि है वो भी आपके पक्ष में ही काम करेगी और लोग बाग आपके बारे में गलत नहीं सोचेंगे, लोग बाग आपके बारे में कुछ भी सोचेंगे जो आप, उसी से आपको लाभ होएगा। तो बने रहिए चैनल पर, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद। जय माँ काली। 17 अक्टूबर, 18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर का दिन वृषभ राशि वालों के लिए कैसा बीतेगा, संपूर्ण विस्तृत चर्चा करेंगे नक्षत्रों के आधार पर। तो शुरू करते हैं राशि। 17 अक्टूबर को देखा जाए तो चंद्रमा की स्थिति आपके 11वें घर में चल रही है और ये चंद्रमा चल रहे हैं रेवती नक्षत्र में। सूर्य के साथ ये सप्तमी दृष्टि में है, इस कारण से थोड़े से स्ट्रांग तो हैं। 11वें घर का चंद्रमा इच्छाओं को पूर्ति करता है, परंतु साथ ही साथ इच्छाएं भी बहुत अधिक बढ़ाता है। आपको अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है और अपनी विषय वासनाओं के ऊपर भी कंट्रोल करना है। इस समय आपको अपनी इज्जत का ध्यान रखना है, आपका नाम और आपकी इज्जत दुशत्रुओं के जागृत रहने के कारण खराब हो सकती है, क्योंकि आपके शत्रु आपके खिलाफ और आप खराब कार्य करेंगे, क्योंकि आप बहुत अधिक उन्नति कर रहे हैं, बहुत अधिक पैसा आ रहा है, या आपसे उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि आपके पास पैसा आ रहा है, इस कारण से वो आपसे चलेंगे और आपका इमेज खराब करने का प्रयास करेंगे। वर्क प्लेस के ऊपर 17 अक्टूबर के शाम 4:30 तक का टाइम समय सही नहीं है। 17 अक्टूबर को देखा जाए तो थोड़ी सी बहस हो सकती है,
और बिजनेस पार्टनर के साथ भी आपको पार्टनरशिप में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। लव लाइफ में रोमांस हालांकि बना हुआ रहेगा, वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा अधूरापन आपको महसूस होएगा। ये सब चीज़ें चलेगी 17 अक्टूबर की शाम को 4:20 तक। 4:20 के बाद ये चंद्रमा चले जाएंगे, आपके चेंज हो जाएंगे और चेंज होकर के आपको लाभ देंगे। फिर आपके लिए थोड़ा सा खर्चा तो बढ़ा देंगे, परंतु विदेशों से आपको अवश्य ही लाभ होएगा। और राहु के कारण जो परेशानी आपको 17 अक्टूबर को चल रही थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। हालांकि अभी भी आपके लिए समय पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं रहेगा, असुरक्षा की भावना आपके अंदर रहेगी। आपको जल्दबाजी पर नियंत्रण बना के रखना है, विदेशों से लाभ आपको जबरदस्त तरीके से हो सकता है। कोई अटका कार्य भी आपका बनेगा, रुका हुआ पैसा भी मिल जाएगा, तो आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होएगा। हालांकि उसी हिसाब से खर्चे भी बने रहेंगे। चंद्रमा शनि की दृष्टि में दृष्ट है, इसके कारण से क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। किसी भी प्रकार का तनाव आपके संग चल रहा है तो उसको छोड़ें और वर्क प्लेस पर अपनी प्रतिभा और अपना स्किल दिखाने का प्रयास करें। यात्रा योग बने हुए हैं प्रबल रूप से और लव लाइफ आपकी बढ़िया चलेगी। आप अपने पार्टनर को अच्छा टाइम देंगे, क्वालिटी टाइम देंगे और वैवाहिक जीवन में चीज़ें आपको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। लव लाइफ में पार्टनर के संग यात्रा भी हो सकती है तो बढ़िया है आपके लिए। बस आपको वैवाहिक जीवन के ऊपर ध्यान देना है। वैवाहिक जीवन में अपने पार्टनर को वैल्यू दें, अपने पार्टनर को समझें और सम्मान दें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये जो समय स्थिति चलेगी ये आपके 18 और 19 तारीख को है, ऐसा इस टाइप का कि आपको थोड़ा सा अपने रिश्तों के ऊपर वर्क करना पड़ेगा। हालांकि 18 और 19 दोनों दिन आपको धन की प्राप्ति हो रही है। स्टूडेंट्स के लिए देखा जाए तो 18-19 का टाइम थोड़ा सा भटकाव का है और 17 तारीख उनके लिए बढ़िया है। अब प्रॉब्लम क्या रहेगी आपके स्वास्थ्य के अंदर, स्वास्थ्य में नसों से संबंधित प्रॉब्लम या पेट या एसिडिटी से संबंधित प्रॉब्लम रह सकती है। वृषभ राशि वालों को क्या करना है, वृषभ राशि वालों को विदेशों से लाभ मिल रहा है तो आपको विदेश में अगर जाना है, विदेशी कंपनी का में आप जॉब करते हैं तो आपके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप अपनी प्रतिभा दिखाएं। साथ ही साथ जो लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट से रिलेटेड कार्य करते हैं उनके लिए 18 और 19 दोनों तारीख बढ़िया है। 17 तारीख को 4:20 के बाद ही आपको विदेश से संबंधित एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रणनीति बना लेनी चाहिए। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कार्य आपके बनेंगे और आपको लाभ होएगा। तो ये था वृषभ राशि वालों का राशिफल। अब उपाय क्या करना है, उपाय ये करना है कि 17 अक्टूबर को रेवती नक्षत्र में चंद्रमा चलेंगे, इस दिन आपको भगवान बुद्ध के मंत्रों का जाप कीजिए। 18-19 तारीख को विष्णु सहस्त्र नाम के जाप करने से आपको फायदा मिलेगा, अवश्य करिए। बने रहिए चैनल पे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय माँ काली। स्वागत है आपका दैनिक राशिफल में। 17, 18 और 19 अक्टूबर के दिन मिथुन राशि वालों के लिए कैसे बीतेंगे करेंगे चर्चा, संपूर्ण चर्चा करेंगे नक्षत्रों के आधार पे, तो बने रहिए चैनल पे। मिथुन राशि बुध प्रधान राशि है और बुध का ही नक्षत्र 17 अक्टूबर को चल रहा है रेवती नक्षत्र, तो जब भी रेवती नक्षत्र में चंद्रमा आएंगे आपको धन की स्थिति को मजबूत करेंगे। तो आपके लिए धनदायक स्थितियाँ 17 अक्टूबर को बनी हुई है और 18 और 19 तारीख ये भी आपके लिए बढ़िया है। इस सप्ताह की भाग्यशाली राशियों में से मिथुन राशि है, बस कुछ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है अपने ऊपर, क्योंकि आप अपने आप को ही नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अपनी ही वैल्यू को आपको समझना पड़ेगा। 17 तारीख को शाम को 4:20 तक ये चंद्रमा रहेंगे 10वें भाव में। 10वां भाव हमारा कैरियर का होता है तो आपको कैरियर में उन्नति मिलेगी। जो लोग जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं उनको जॉब मिल सकती है, आपको एक्स्ट्रा जिम्मेदारी भी वर्क प्लेस पर मिल रही है। हालांकि राहु के साथ ये चंद्रमा है इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करनी है और मानसिक तनाव पर नियंत्रण बना के चलना है। धन के सोर्स बनेंगे, आपको एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स जनरेट हो सकती है। कुल मिला के आय और कार्य क्षेत्र के हिसाब से बहुत ही बढ़िया दिन है 17 अक्टूबर का। मन में बेचैनी रहेगी क्योंकि राहु के साथ है, मन की बेचैनी पर नियंत्रण बनाएं। माता के साथ संबंधों को संभाल के चलें। भूमि भवन संबंधित कार्य है उसमें जल्दबाजी न करें, हालांकि वो सभी कार्य आपके बनने वाले हैं। राहु के साथ है, थोड़ा सा आप सकारात्मक रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे तो आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपको एक ही चीज़ ध्यान रखना है कि आपके जीवन में खुशखबरी आ रही है, आप अपनी वैल्यू को समझें, अपने आप को नेग्लेक्ट न करें। क्योंकि कई बार होता है हम रिश्तों के अंदर अपने पार्टनर को, अपने लव पार्टनर को ज़्यादा समय देते हैं और फिर वो हमारा एडवांटेज ले लेता है, हमको ग्रांटेड ले लेता है और इस कारण से वो हमारी वैल्यू नहीं करता। इस चीज़ को आप समझें, अपने आप को वैल्यू दें, अपनी इमेज का ध्यान रखें, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोगों के लिए काम करते रहने के कारण भी लोग बाग हमारी वैल्यू नहीं समझते हैं। तो आप अपने आप को थोड़ा सा ऊपर रख के चलें रिश्तों के अंदर। नई संभावनाएं आपको दिखाई देगी हर जगह और उन्हीं संभावनाओं को आप कैश करेंगे और आपको धन का लाभ होएगा। बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा, नौकरी भी बहुत अच्छी चलेगी। नौकरी के अंदर देखा जाए तो आपके शत्रु जागृत रहेंगे जो आपसे ईर्ष्या करेंगे, इसलिए अपनी बात किसी से शेयर न करें। साथ ही साथ वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को बनाए रखना है। इस चीज़ को विशेष करके
तीनों दिन आप ध्यान रखें। 17 अक्टूबर की शाम को 4:20 के बाद ये चंद्रमा आय के घर में चले जाएंगे, तो आपकी आय में वृद्धि होगी, आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, इच्छाएं आपकी पूरी होगी और आपका रोमांस भी बढ़ेगा, बहुत बढ़िया रहेगा, आपके अंदर हिम्मत भी रहेगी, पॉजिटिव रहेगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा और काम भी बनेंगे, अच्छे काम बनेंगे और बहुत ही तीव्रता के साथ आपके कार्य बनने वाले हैं। आपने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है उससे भी लाभ होएगा, व्यापार में भी लाभ होएगा। वर्क प्लेस पर आपको बहुत सारी जिम्मेदारियां मिलेगी, उन सभी को आप पूरा करेंगे। वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी प्रॉब्लम 18-19 तारीख को चल रही है, इस समय आपको इन लॉस से संबंध संभाल के चलने हैं, क्योंकि आप दोनों के बीच में इन लॉस के कारण तनाव हो सकता है या इन लॉस ही आपके बीच में बहस का कारण बने। हालांकि ये सब स्थितियां सुधार हो जाएगा 17 अक्टूबर के 4:20 के बाद। 4:20 के बाद समय बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, वर्क प्लेस पे 18 और 19 तारीख को अपने किसी भी कलीग्स के ऊपर विश्वास न करें, अपनी बातें शेयर न करें, क्योंकि वो लोग आपसे ईर्ष्या रखेंगे और आपकी सफलता से चिढ़ेंगे। तो ये समय बढ़िया है, समय का लाभ उठाएं और चंट चालाकी से चलें, भाग्य का साथ है, पॉजिटिव समय है, इसका आप उपयोग करें। उपाय क्या करना है, 17 तारीख को रेवती नक्षत्र है जो कि बुध का है, आपके राशि स्वामी का है नक्षत्र, इसलिए भगवान गणेश की आराधना करें या बुध के बीज मंत्रों का जाप करें। 18 और 19 तारीख को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, आपको प्रबल रूप से भाग्य उदय के अवसर प्राप्त होंगे। तो बने रहिए चैनल पे, अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।